आईपीएल में लगातार टूट रहे हैं रिकॉर्ड। आज कौन मारेगा बाजी, किसे मिलेगी शिकस्त? पंजाब किंग्स के योद्धा लड़ पाएंगे राजस्थान रॉयल के लड़ाकों से जंग? पंजाब के मुल्लानपुर के मैदान में होगी आज की रोमांचक जंग। पॉइंट्स टेबल में नंबर बढ़ाने के लिए होगा शह और मात का गेम। कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, पिच पर कितनी घूमेगी गेंद, टीम में किसे मिलेगी जगह और कौन होगा बाहर? नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं आज के आईपीएल मुकाबले की। आईपीएल 2024 के 27वें मैच में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के साथ होगा। मुकाबला पंजाब के मुल्लानपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा और इस मैच के टॉस का समय होगा 7 बजे का। राजस्थान का यह 17वें सीजन में 6ठा मैच होगा। टीम 5 में से 4 जीत के बाद 8 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर बनी है। राजस्थान को पिछले मैच में ही गुजरात से हार मिली थी। दूसरी ओर पंजाब का यह 6ठा मैच होगा। पंजाब ने 5 में से 3 मैच गंवाए हैं। टीम को 2 मैचों में जीत मिली है और 4 पॉइंट्स के साथ टीम 8वें स्थान पर मौजूद है। चलिए अब हेड टू हेड मुकाबलों की बात करते हैं। हेड टू हेड मुकाबलों में पंजाब पर राजस्थान हावी है। आईपीएल में पंजाब और राजस्थान के बीच अब तक 26 मैच खेले गए हैं, जिसमें 11 में पंजाब और 15 में राजस्थान को जीत मिली है। दोनों टीमें इस मैदान पर पहली बार भिड़ेंगी। पंजाब का मिडल ऑर्डर बैटिंग लाइनअप फेल हो रहा है। शिखर धवन की कप्तानी वाली पंजाब को टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। टीम ने 5 में से 2 मैच जीते और 3 गंवाए हैं। इस साल टीम के खराब प्रदर्शन का कारण जोनी बेस्टो और जितेश शर्मा जैसे बल्लेबाजों की खराब फॉर्म है। टीम के लिए फिनिशर का काम करने के लिए पंजाब किंग्स एक बार फिर शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा पर निर्भर रहेगी। टीम के लिए शिखर धवन ने सबसे ज्यादा रन बनाए, उनके नाम 5 मैच में 152 रन है। वहीं अर्शदीप सिंह ने सबसे ज्यादा 8 विकेट हासिल की है। वह 3 विकेट लेकर टूर्नामेंट के टॉप विकेट टेकर भी बन सकते हैं। रॉयल्स के बल्लेबाज फॉर्म में, राजस्थान रॉयल्स ने इस सीजन धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए अब तक 4 मैच जीते हैं। उसे एक मैच गुजरात ने जयपुर में ही हराया, जो टीम का पिछला मैच था। युवा बल्लेबाज रियान पराग ने टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए, उसके नाम 261 रन है। वहीं ओपनर जोस बटलर भी फॉर्म में लौट आए। बॉलिंग में युजवेंद्र चहल फॉर्म में लौटकर सबसे ज्यादा 10 विकेट ले चुके हैं। वह आज एक विकेट लेते ही पर्पल कैप हासिल कर सकते हैं और युजवेंद्र चहल की कोशिश होगी एक नहीं अपनी टीम के लिए कई और विकेट ले और टीम को लगातार नंबर 1 पर बनाए रखे। चलिए अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट। इस नए मैदान में आईपीएल का 3रा ही मुकाबला खेला जा रहा है। इससे पहले यहां पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर हैदराबाद से हुआ। यहां का हाईएस्ट आईपीएल टीम स्कोर 182 9 विकेट पर है, जो हैदराबाद ने पंजाब के खिलाफ पिछले मैच में ही बनाया था। हैदराबाद को इस रोमांचक मैच में 2 रन से जीत मिली थी। यहां पहले बैटिंग करने वाली टीम और चेज करने वाली टीम ने एक एक मैच जीता है। चलिए अब मौसम के मिजाज की बात करते हैं। मुल्लानपुर में शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे। मैच वाले दिन यहाँ काफी गर्मी रहेगी, तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। बारिश की कोई संभावना नहीं है, यानी कि आप बगैर किसी खलल के मैच का संपूर्ण लुत्फ उठा सकते हैं। चलिए बात करते हैं दोनों ही टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 की, यानी कि किसे टीम में जगह मिलेगी और कौन आज टीम से बाहर हो सकता है। राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी संजू सैमसन के हाथ में है। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, शिमरोन हेटमायर, रविंद्र चंद अश्विन, युजवल चहर, ट्रेंट बॉल्ट, कुलदीप सेन और आवेश खान टीम का हिस्सा रहेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं पंजाब किंग्स की। पंजाब किंग्स की कप्तानी शिखर धवन कर रहे हैं। इसके अलावा सैम करन, जॉनी बेस्टो, जितेश शर्मा, शशांक सिंह, सिकंदर रजा, आशुतोष शर्मा, हरप्रीत बरार, कगिसो रबाडा, हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह टीम का हिस्सा रहेंगे। तो आज का ये रोमांचक मुकाबला कुछ ही घंटों बाद शुरू होगा और कोशिश यही होगी दोनों टीमों की कि इस मुकाबले को जीत कर पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति को और बेहतर करें। राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो पहले ही नंबर 1 पर बनी हुई है। अगर आज का मैच वो हार भी जाते हैं तो उनसे नंबर 1 का ताज फिलहाल तो छिनने वाला नहीं है। लेकिन पंजाब लगातार मुश्किलों में है। जीत की उम्मीद कर रही पंजाब कोशिश यही करेगी कि अपने होम ग्राउंड पर राजस्थान रॉयल्स को पटकनी देकर वो इस मैच को अपने कब्जे में कस के। आपको क्या लगता है आज के मैच का विनर कौन होगा, पंजाब रॉयल्स या फिर राजस्थान रॉयल्स? कमेंट्स कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।